बड़ी खबर महाराष्ट्र से मिल रही है, महाराष्ट्र के बुलढाणा से अभी की बड़ी खबर है। बुलढाणा में बस में लगी है भीषण आग। बस में आग लगने से 26 लोगों की मौत हो गई है। बुलढाणा के समृद्धि एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ है। टायर फटने के बाद डिवाइडर से टकरा गई थी बस। डिवाइडर से टकराने के बाद बस में आग लग गई। नागपुर से पुणे जा रही थी बस। तो देखिए एसपी के हवाले से जो जानकारी मिली है कि ड्राइवर ने बताया कि देर रात करीब 1:30 बजे के करीब यह हादसा हुआ है महाराष्ट्र के बुलढाणा में। 7 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। समृद्धि एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। एक बस में भीषण आग लग गई, 26 लोगों की मौत हो गई है। ये देखिए तस्वीर आपको घटनास्थल से दिखा रहे कैसे बस पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। बताया जा रहा है पहले बस का एक्सीडेंट हो गया था, बस डिवाइडर से जा टकराई थी और उसके बाद टायर फट गया, बस में आग लग गई, पूरी बस धू-धू कर जल गई, 26 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो घटनास्थल पर पुलिस की टीम मौजूद है और वहां पर पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ड्राइवर से भी पूछताछ हुई है। देर रात करीब 1:30 बजे यह हादसा हुआ है। समृद्धि एक्सप्रेसवे पर नागपुर से पुणे की तरफ यह बस जा रही थी और 26 लोगों की फिलहाल मौत की जानकारी है। 7 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे पर रात 1 बजे के करीबन एक प्राइवेट ट्रैवल्स का जो है हादसा हुआ है, जिसके चलते 25 लोगों की जलकर यात्रियों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के बुलढाणा में शुक्रवार देर रात दर्दनाक ये हादसा हो गया। नागपुर से पुणे की ओर ये बस जा रही थी। बुलढाणा जिला के सिंदखेड़ राजा के समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेस पर ये हादसे की शिकार हो गई। हादसे के बाद बस में भीषण आग लग गई, जिसके चलते 25 प्रवासियों की इसमें मौत हो गई है। अभी देखा जाए तो फिलहाल पुलिस बड़े तैनावे पे तैनात हो गई है। जिसकी जो डेड बॉडी है उन्हें सरकारी अस्पताल में लेके गया है। ये जो पूरी घटना है उसकी जांच पुलिस की तरफ से हो जाएगी। हर दिन ये विदर्भ ट्रैवल्स की बस नागपुर से पुणे जाती है। यवतमाल वर्धा के पैसेंजर को लेकर ये पुणे जाती है। रात को 1:30 बजे ये बड़ा सा अपघात एक्सीडेंट हुआ है, जिसके चलते 25 लोगों की मौत हो गई है। तो देखिए घटनास्थल से आपको लगातार रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं और इस वक्त हमारे सहयोगी स्वप्निल हमारे साथ जुड़ गए। स्वप्निल, क्या जानकारी मिल पाई है? अभी तक तो 26 लोगों के मरने की जानकारी है। इस पूरे हादसे में बस पूरी तरह से जल गई थी। ड्राइवर ने बताया कि देर रात करीब 1:30 बजे यह हादसा हुआ है। पुलिस ने और क्या जानकारी इस एक्सीडेंट के बारे में दी? अभी देखा जाए तो रात नागपुर से पुणे जाने वाली ये बस थी, विदर्भ कंपनी की प्राइवेट बस थी। बुलढाणा जिले के सिंदखेड़ राजा एक गांव है। ये गांव के पास बस आते समय जो ट्रैवल्स का जो है वो टायर फूट गया और टायर फूटने के बाद जो है ये ट्रॉली जो है डीजल की टैंक है उसका डीजल बाहर निकला और ये आग लगी। आग लगने से 25 यात्रियों की जो है मौत हो गई है। अपने और मौत होने के बाद बहुत बड़ा ये हादसा हो गया है। पुलिस इस जगह पर अभी आ गए। पुलिस के अधिकारी भी इस घटना यहाँ आए हुए हैं। आप सुबह जब ये घटना हुई तो अग्निशामक दल के लोग आए थे। भैया कैसी घटना हुई सुबह, आप कितने बजे यहाँ आ गए? 2 बजे रात में, 1:30 बजे। ऐसा हादसा हुआ, क्या बताइए? डीजल टैंक रहता है ना, स्क्रैच हुआ था। उस स्क्रैच होने के बाद वो डीजल टैंक फट गया। फटने के बाद आग लगे डायरेक्ट। कितने लोगों के? 25 लोगों की यहाँ मौत हो गई। आप आए थे तो अब कोई जिंदा लोग थे? जिंदा नहीं थे सब, कोई मूवमेंट नहीं थी और डायरेक्ट सब निकलने के सब आग ज्यादा हो गई थी। फायर ब्रिगेड के कुछ लोग गए प्रत्यक्षदर्शी, क्या हुआ था सुबह आप इस घटना के पास आए थे? पूरी गाड़ी को फायर लगी थी, हमने फायर बुझाई। उसके बाद में हमने पूरी फायर बुझाई, उसके बाद पूरी कूलिंग की, उसके बाद में हमने 25 डेड बॉडी उससे रिक्वायर की निकल। आप जब सुबह पहुंचे थे इधर 2 बजे आए थे, अब घटना होने के बाद में रात का टाइम था, कोई जिंदा था क्या, क्या बताएंगे? 7 लोग जिंदा वहाँ से निकल, उनको सफलता मिली है गाड़ी से।
बाकी पूरे डेथ। स्वप्निल जल्दी से ये जानकारी दे दीजिए, जिस तरीके का ये पूरा हादसा था हम देख पा रहे हैं कि बस तो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है, ऐसे में डेड बॉडीज को आइडेंटिफाई करना कितना बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए। बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये आग बड़े पैमाने पर 25 लोगों की इसमें जान गई है, पहचानना बहुत मुश्किल है। अभी डीएनए टेस्ट होगा, फॉरेंसिक लैब की टीम भी इस जगह पर पहुंची है और जो कि सबूत है वो इकट्ठा करने का काम अभी जो है शुरू है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल स्वप्निल, दिल को दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं, बेहद दर्दनाक हादसा। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट देने के लिए, आगे भी नजर बनाए रखिएगा। तो अभी तक 26 लोगों के मरने की जानकारी है, 7 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है, लेकिन शवों की शिनाख्त करना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है इस हादसे में, तो डेड बॉडीज का क्या हाल हुआ होगा ये आप समझ सकते हैं।